वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 8, मैं उठ चुका हूँ, शैम्पी भी सो रहा है। सोसाइटी मस्त है भाई, स्विमिंग पूल, प्लेइंग एरिया। उठ जाओ बेबी, बेबी उठ जाओ, अभी नहीं उठोगे। ओके, एक बार फिर से वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। मैं इसको उठाने गया और मैं खुद ही सो गया, और अब बज रहे हैं सुबह के 10:30। अब इसको फिर से उठाने की कोशिश करते हैं। ए राजू, उठ रहे राजू, इसके पैरों की मूवमेंट से डिसाइड करो कैसे सपने देख रहा है ये। हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस, ये तो उठता नहीं, अभी वीकेंड है, वैसे भी सोने दो यार, क्यों परेशान करें। मैं जा रहा हूँ नीचे ब्रश लेने के लिए, ब्रश लाना भूल गया था मैं अपना, और उसके बाद फिर प्लान करते हैं आज क्या करते हैं, कहीं तो जाएंगे, पर थोड़ा शाम में ही निकलेंगे, अभी धूप बहुत है। खली उठ गया फाइनली। खली सर, पाद मार के मुझे दुबई भेज दो ना, IPL देखना है। आ जा, तेरे मुँह पे पाद मारू, खतरी ज्यादा बोला है। कॉलेज में थे तो ये बोलता था, चाह ले आ दे यार, चाह पीते हैं चाह। ये बंदा इतना बदल कैसे गया, ग्रीन टी पी रहा है हनी डाल के और तुलसी। इली आंटी आ गए हैं, अब हम खाएंगे परांठे, वो भी आलू के। आलू के परांठे ना, मैं प्याज नहीं खाता आलू के परांठों में, और इसको मैं प्याज खाता हूँ, मेरे को टेस्टी लगते हैं बिना प्याज के। तो अभी मैं इसके घर पे आया हूँ तो मेरी चलेगी, क्योंकि मैं आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज। इतनी अंग्रेजी का, आलू के परांठे चा ते घर का देसी घी। अभी हमारा प्रोग्राम था मुंबा देवी टेंपल जाने का, तो हमने पहले उनको कॉल किया जाने से पहले, तो उन्होंने बोला आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, एंड हमने बुकिंग स्लॉट चेक किया तो सारे बुक थे, तो अब अगले हफ्ते जाएंगे। अभी ना हम बहुत हैवी डिस्कशन कर रहे थे, शैम्पी का कुछ एक साल पहले कुछ एक्सीडेंट हुआ था, एंड मुझे वो सारी स्टोरी सुना रहा था कैसे इसकी फैमिली ने इसको उस टाइम सपोर्ट किया। तो जब ऐसी बातें सुनते हैं ना, अंदर से ऐसा लगता है कि यार हाँ, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में, जितना मर्जी दूर रह लो पर लास्ट में फैमिली के पास तो आना ही पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं हाजी अली दरगाह लंच करने के बाद, पेठा रोटी ते दही। देखो गाइस, ये स्पेशल मास्क है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिया हुआ है। देखो अंधेरी स्टेशन 20 रुपए का मास्क, बढ़िया है ना पूरा। तो अभी हमने थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया है, क्योंकि भाई साहब को चाय बहुत लगती है, आज छुट्टी है, जब अपने ऑफिस में होते हैं तो कम से कम 20 कप चाय के पी जाते हैं। मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया, सुबह उठ के ये बंदा क्या थी वो चीज, मेथी पानी में डाल डाल के पी रहा है, ग्रीन टी पी रहा है, और दिन में 20 कप चाय के पी लेता, फायदा क्या वो सुबह पीने का। और अभी हम जा रहे हैं हाजी अली दरगाह टैक्सी में, बिकॉज टैक्सी में वो लोग जाते हैं जो सेक्सी होते हैं, लाइक मी है। सो गाइस, अभी हम हाजी अली दरगाह के अंदर आ चुके हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कोविड के कारण, शायद मैं पूरे शॉर्ट्स ढंग से नहीं ले पाऊंगा, लेट्स सी आगे। कसम से मैं कम से कम चौथी या पांचवी बार हाजी अली दरगाह आ रहा हूँ, पर इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। तमाम जायरीन से गुजारिश है कि अपने अपने चेहरे पे मास्क लगाए रखें। इतनी भीड़ थी अंदर दरगाह के अंदर, आते आते ना पसीने छूट गए भाई। सो अभी हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे कहीं पे, पता नहीं क्या पता, घर पे ही ऑर्डर कर लें, अगर ज़्यादा अगर थके ना हो तो फिर यहीं से करके जाएंगे, नहीं तो घर पे ही करेंगे। ये आ गया अंबानी जी का एंटीला, पहला दिन टीम बनाया बहन, जो पहला दिन करोड़पति बन गया, बताओ एक ही दिन में जीत गया क्या? एक ही दिन कितने कितने जीता, ड्रीम इलेवन टीम बना कितने जीता वो? 49 रुपया लगाया, 1,12,50,000 में जीता, 49 रुपए में, 49 रुपए में। ऐसा क्या है इसमें, ऐसे इतने रुपए जीत जाते हैं? तो अभी 10 रुपया का लगाया ना मैं, अगर मेरा खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, प्रदर्शन कर दिया ना, 1 करोड़ रुपया सीधा अपने अकाउंट में सीधा आ जाएगा। 1 करोड़ 10 रुपए का सीधा, मैच खत्म हुआ तुम्हारा अकाउंट में तुरंत पैसा आ जाएगा। फिर इसके बाद BMW
घूमेंगे। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि हम 1 करोड़ रुपए जीत जाए। हम आ चुके हैं नरीमन पॉइंट पे, मरीन ड्राइव पे बहुत भीड़ थी तो आगे थोड़ा नरीमन पॉइंट है, वैसे ये ज्यादा हैपनिंग जगह है। भीड़ तो यहाँ पे भी पूरी है यार। बात अगर यहाँ पे मास्क उतारे तो यहाँ पे फाइन है 500 रुपए का। और ये भाई को यहाँ पे आए हो गए 8 महीने और पहली बार इधर आए, पहली बार आए ना यहाँ पे? हाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ यार। अच्छी जगह बैठने के लिए, बैठे रहो, सुकून है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं नया नया मुंबई में आया था, मेरी ये फेवरेट जगह है मुंबई की नरीमन पॉइंट, तो मैं कई बार ऐसे हुआ अंधेरी से सुबह सुबह 6 बजे वाली ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आया था सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए। कम से कम 40 मिनट लगते हैं अंधेरी से यहाँ पे आने के लिए, ट्रेन पे सुबह सुबह आता था। थोड़ा रात हो गई है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर सुबह तो सुबह कभी मैं आऊँगा फिर से एक बार दिखाऊँगा सारा। सुबह का व्यू शानदार है। ये पत्थर हैं और इन पत्थर को वैसे बोलते हैं क्वींस क्राउन। पूरा समंदर से ये, समंदर के पूरे किनारे में ये पत्थर एक क्राउन की तरह यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं। टैक्सी ड्राइवर ने जब से बोला है ना कि उसकी गली का बंदा 1 दिन में 1 करोड़ रुपए जीत गया ड्रीम 11 से, भाई को ना, भाई को नींद नहीं आनी आज रात को। मेरे को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई साहब को सुसु आ रहा था और ये शर्मा रहा था कि मैं किसी रेस्टोरेंट जाके नहीं करूँगा। मैंने बोला तो इनकम टैक्स ऑफिसर है, अपना कार्ड दिखाएगा ना तो वहाँ पे वो तो खुद कराने जाएंगे। देखो सुसु, ये माए यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए, ये नरीमन पॉइंट की सबसे फेमस जगह है आइसक्रीम के लिए। तो देखा हाय हाय यार, ना ये वेफर्स भी है ना इसके अंदर, अलग ही चीज है। कौन सा फ्लेवर है ये? ये कोकोनट तो है। चेक, मैं तो फर्स्ट टाइम खाई है ऐसी आइसक्रीम। हाँ यहाँ का फेमस है भाई, ये लग रही है ना यहाँ की। हाँ वैसे मेरे बहुत दोस्त मुंबई आए हैं जिनके साथ मैं घूमा हूँ, एंड वो अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं मुंबई की, पर ये इकलौता मेरा भाई है जिसने मुंबई की बिल्लियाँ ऑब्जर्व की है। ये कहता यार कबीर मुंबई में बिल्ली डरती नहीं, तू हरियाणा में बिल्ली डराता था क्या? ये देखना आराम से बैठी है यहाँ पे, ये मुंबई में आके बिल्लियाँ देख रहा है अपने वहाँ की बिल्ली तो एक सेकंड में भाग जाती है। फाइनली अब हम अपने घर पे जा रहे हैं और फिर घर जाके कुछ खाने का ऑर्डर करेंगे। अब हम घर पे आ चुके हैं, अब पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे थोड़ी देर में, फिर खा के आराम से सोएंगे। पिज़्ज़ा आ चुका है एंड खली खा रहे हैं। हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गेंडा बन गया है तू। डिनर हो गया है और अब हम सोने जा रहे हैं। वो सुबह सुबह मेथी लेके बैठ गया है। गाइस ये भी फ्रेश होने गया है और मैंने इसके बाथरूम के बाहर वो सांप लटका दिया है। कल दोपहर की ना पेठे की सब्जी बच गई थी और सुबह सुबह ब्रेड में सेक के ले आया, अभी हम वही खा रहे हैं। सोभी भाई जा रहे हैं आयकर भवन अपने ऑफिस, मैं जा रहा हूँ अपने घर। फाइनली गाइस मैं अपने फ्लैट में आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ा खाऊंगा, नहाऊंगा, सोऊंगा, फिर थोड़ा अपना काम शुरू करूंगा। अगर आपको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट जरूर करना मेरे भाइयों।